की खबर का असर हुआ है। दो दिन पूर्व एक्सप्रेस स्पेशल में खबर दिखाई गई थी कि स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जुगाड़ की नाव में नाला पार कर रहे हैं और प्रशासन ने कोई सूचना नहीं ली अभी तक। खबर से मामला सामने आने के बाद होमगार्ड और आपदा प्रबंधन की टीम के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी नाव लेकर मौके पर पहुंचे, जहां जुगाड़ की नाव को बंद कर इलेक्ट्रॉनिक नाव से स्कूली बच्चों को नाले से पार कराया गया। स्वराज एक्सप्रेस की खबर से जहां अंचल के हजारों बच्चों का सफर सुरक्षित और आसान हुआ, वहीं दूसरों को भी लाभ हो रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको शुजालपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर थे। स्वराज एक्सप्रेस ने लगातार ये प्रमुखता से खबर दिखाई और प्रशासन जागा और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक नाव का प्रबंध किया और लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। पहले टायर ट्यूब की नाव से ये लोग रास्ता पार करने को मजबूर थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बड़ा ये नाला है जहां पर लोग यहां से जाने को मजबूर थे और कोई रास्ता यहां पर नहीं था और कई बार शिकायत करने के बाद भी यहां पर सुनवाई नहीं की गई। प्रमुखता से स्वराज एक्सप्रेस ने लगातार खबरें दिखाई जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। ग्वालियर शहर